नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शादी में डांस, मस्ती और फिर शानदार दावत के किस्से तो बहुत आम हैं, लेकिन एक ऐसी शादी की कहानी वायरल हो रही है जिसमें मेहमानों को दावत के बाद जूठे बर्तन धोने पड़े हैं। सोशल मीडिया पर इस शादी में शामिल हुए एक मेहमान ने इस कहानी को पोस्ट करते हुए बताया कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि दावत के बाद सभी मेहमान बर्तन धोते हुए नजर आए। सोशल मीडिया साइट रेडिट पर एक यूजर ने इंग्लैंड में हुई शादी की कहानी को पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्हें एक बेहद ही महंगे और शानदार शादी समारोह में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वहां जाकर जो कुछ भी उनके साथ हुआ वह बेहद हैरान करने वाला था। इस महिला यूजर ने पोस्ट में लिखा है कि इस समारोह में खाना बेहद लजीज था, लेकिन कम था, कई मेहमान भूखे रह गए। वहीं जिन मेहमानों ने खाना खाया उनसे जूठे बर्तन धुलवाए गए। दूल्हा दुल्हन के इशारे पर एक कर्मचारी वहां आया जिसने सभी मेहमानों को दावत के बाद किचन में चलने के लिए कहा। बताया कि पहले तो उन्हें लगा कि कुछ सरप्राइज है, लेकिन जब वहां पहुंचकर इस कर्मचारी ने मेहमानों से कहा कि उन्हें जूठे बर्तन धोने हैं तो वह चौंक गए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। वेबसाइट मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने बताया कि दरअसल इस शादी में दूल्हा दुल्हन ने बर्तन धोने वाले को नहीं बुलाया था। ये सब इसलिए किया गया जिससे शादी के खर्च में बचत की जा सके। उसने लिखा है कि दूल्हे दुल्हन ने अपनी शादी के अधिकांश पैसों को कार्यक्रम स्थल और दुल्हन के बेहद सुंदर गाउन पर उड़ा दिया, इसलिए उन्होंने मेहमानों से खुद के जूठे बर्तन धुलवाने का फैसला भी कर लिया। उसने बताया कि जब किचन में पहुंचे तो वहां बहुत गर्मी थी और गंदे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। उसने कहा कि शादी में खाना परोसने के लिए बर्तन किराए पर लिए जाते हैं, जिन्हें दावत के बाद में यदि साफ करके नहीं दिया जाए तो इनके एवज में दिया गया एडवांस पैसा वापस नहीं होता है। महिला ने लिखा है कि दूल्हा दुल्हन शादी में आए सभी मेहमानों के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं कर सके थे, एक चौथाई मेहमान भूखे रह गए। हालांकि उसने कहा कि खाना बहुत अच्छा था पर वहां की व्यवस्थाएं खराब थीं। मेहमानों के उपयोग के लिए वहां पर कुछ ही टॉयलेट थे, इसलिए लोगों की लाइन में लगना पड़ा। उसने बताया कि वह खाना खा चुकी थी, लेकिन उसके पति को खाना नहीं मिला क्योंकि वह टॉयलेट जाने के लिए लाइन में लगे थे, इसलिए उन्हें देर हो गई। जब पति लौटकर वापस आए तो खाना समाप्त हो चुका था। दुल्हन की मां को इस बारे में बताने के लिए तलाश किया गया कि उन्हें कहा गया कि वे कैटर्स को और खाना बनाने के लिए कहे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीबोगरीब अभिव्यक्ति आती है और कहती हैं कि अब और खाना नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह कहानी वायरल होने के बाद कमेंट्स भी भरमार है। एक यूजर्स ने लिखा कि उसे बर्तन धोने से इनकार कर देना चाहिए था। एक अन्य ने लिखा कि मैं मना कर देता और वहां से चला जाता।